दिन भर पानी गिजियन कॉल पर सारा दुनिया काम को के निहाल हो गेल आ ई सार लोग बा 10 बजे सूत के उठता आ हम अकेला गार मरावता नहीं खाए छै की हगा के भर हे त कोनो तोरा गार से हगा तनी कि हम अपन ना कौन बा रे ए हम बानी हाँ तो बाहर निकल जोर से लागल बा ए उतरी तब नहीं निकला अभी चुपचाप नहीं खड़ा रह साला पेट गड़बड़ बा बर्दाश्त नहीं होत रे साला सो जल्दी आओ खेत में डनेर बाने के बा ए जाना मर दे आओ तनी डनेर बाने के बा ए छोरे निकले लगा तनी ए रुक एक और लेडी छटका दी रे निकलबे कि ना रे साला ना निकलम छटकी तब निकलम का हो भैया तू ई डनर काहे कटला ए हमरा में बात हम काटब ना ए हई ई तो रे में बा पुछला कथी बा साला बुढ़ा से बार बार साला डनर काट देता ए काट चले के रे निकल ना रे ई साला ना मान आओ फैली से हगा साले साला 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 होगी किस्मत पानी का रे रे खाना तू घंटा देख कर पापा का मारा था चाचा सा जल्दी जो ना यार मेरे पास पैसा बहुत कम है काश मैं और पैसा कमा पाता EMI भी भरना है अच्छा ये बात है तो तू कॉपी ट्रेडिंग ऐप यूज क्यों नहीं करता ओक्टा एफएक्स की तरफ से ओक्टा एफएक्स ये क्या है भाई तेरे को ओक्टा एफएक्स के बारे में नहीं पता ओक्टा एफएक्स जो दिल्ली कैपिटल्स का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर भी है 2021 में तेरे को पता है सबके बारे में मुझे भी पता है इस प्लेटफॉर्म पे एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिसे हम मास्टर ट्रेडर्स भी कहते हैं आप अपना मास्टर ट्रेडर खुद चूज कर सकते हैं और उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क स्कोर को देखकर फिर बेस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी ट्रेड्स है वो मास्टर ट्रेडर करेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा इसका मतलब है जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा तो आप भी अर्न करेंगे इसका कमीशन भी बहुत कम है और आपको पे तब करना होता है जब आपका प्रॉफिट हुआ हो तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा सच्ची हाँ और हर एक ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है यार ये तो सही है तो आप भी अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा 15% एक्सक्लूसिव बोनस ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए हट इसे डनेर कहती तुम मर बे आए तुम मार के देख ले अगर तू कहे ना काट ले नू तो एक बाप का औलाद ना तू कट बे काट 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 के जाओ तू पे हटा ना बीच में से चला मार के देख ले साला रुक कहाँ जाता रे साला पापा के मारे था मारे दे साला सके तानका से खाली खून निकल जाए दे हाफ मर्डर केस होई आ कहीं फुल मर्डर हो गई था होके दे तभी तो साला से सुधरी ऐसे ही पापा बुरा गए लवा ए मुठा हां भाई साला पटाकर चल खींच ले जाओ तू पकड़ी हमार हम चल छोड़ ना तई मर दे छोड़ साला छोड़ अरे बाप रे बाप थोड़ी मत थरवा के हां मार आ और कटबे रे साला डनेर ए छोड़ साला छोड़ भाग जा से भाग
पापा पिटैले हा? हाँ पिटैनी हा, बढ़िया मरल कस देख ना मार के आके तो फुला दिले। हे तो झाट पिटैले हा, खाली आँख फुलवा के तो चलैल तनका खून निकल होती तब न हाफ मर्डर केस होई। सुन ले मुठरा जुठरा, बिया न मर्डर भरा जाए के चाही न तो लाश गिरी लाश। चल सरे ए हमर झाट गिरी इतना पिटा के नीचे तो लाश ना गिरा लाश गिरे हन साले। चलो बियान हम को नमडनेर देखा तनी कौन सा लाके रोक ले बता। चलो ए तोरा का भेलौ रे, कुछ बोलत नहीं खस भैया रे। झगड़ा मारपीट ना करे के अच्छा ना लागेला। ए चल पटी पटा मुंह में मुत के चल जाइए, झगड़ा छना लगेला। चल पापा काट तनी हाली हाली काट साला, तन को अपन डनेर नहीं के छोड़ ले पूरा काट भैयो तन का तोनी दोनों भाई हगा त खेतवा में हगा। अब बउआ सजा के होगा ई सर्वस खेत के घर बुझ ले बा, दिन रात ये में लौटात रहता। पापा हाँ अब बोल आप क्या कहता रहा है। सारा सा सुबह से आके खेत का डिनर काट के पूरा बराबर कर ले बा, और ऊपर से साला हमर सुना लेकिन खेत में हक तो बा भैयो। हाँ मार दी साला सके। ये साला तू कथी मार दे साला, हमें मुआ दे मार के। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाबू रे बाप रे बाप। रे भतरा मारी रे बेटवा चिबौनी, भतार के भेज के हमरा भतार के कपार फरवाई ले। अगर हमरा भतार के कुछ हो जाए इतनो तो तोरा भतार के घर में जान ले ले घुस जाईती। रे रोंडो रे छिनारो रे रारी, तोहर भतार हमरे भतार के जतो मारे तो हमर भतार मौगा बा कि चुमा लेके छोड़ देताओ। यहां काहे लाल बनी ये राना रांडी आ छिना छिनी के बात सुने। ए मैया भीतर जोता। ए जाता रे किनारे। ए माइलर तुलर भीतर मत जाइए, हमनी का कमजोर बनी सरो से चार गोरा बा। हमर सुगा सोई चाड़ो से डरा रहता, लेकिन तोहनी का टेंशन मत लो, हम बनी नू अकेला ही सबनी के काल करते आई छिनरो के। तुम तो भतार को छोड़ देगा। अरे भतारा मरी तो मारत का ना मारे, मार ना मार के देख ले तोहर ढेर बच्चा दे। हे सूरज नारायण, हे दीनानाथ, हे शंकर जी, अगर ई मुखिया सही इंसाफ ना करी नू तगले घर में कोरी फूट जाई। हे सूरज भगवान रहुआ तो उगल बानी सब चीज देखते बानी, अगर हाई मुखिया हमारा पक्ष में पंचायती ना कइलक तो एक मेहारू के सात घाट के पानी पिया दे हम कोनो के लेके वो और जाई। भोसरो भागना तो मारम तो लात की पूरा घर में ये उतर जाई। ए चल भीतर जा। माई तू भीतर जो। हाँ बतावा का विचार बतौनी के। कुछ विचार ना करम हमनी सा, हाफ मर्डर के केस करम। माथा फोड़ लेबा सरो सब। कौन तोर माथा फरलक? ए हमिए त मरनी साला, खीस बरलक हुरमुठा बरल ही बानी उठाई नहीं पाए पा, मरनी साले के माथा पटाक। सुनत बानी नु मुखिया जी सरवा के बात का? रे साला बढ़िया काम कइले बारे तू। माना तने मुखिया जी हमर बेटा गलती कइलक, लेकिन आई चारे बाबा तू मिल के हमरा के मरलक। हई देखु वहां के दशा। ए बंद कर तू बना के दशा ना के दशा। एगो सच्चाई बात बताओ तनी मुखिया के नाते, जमीन के झगड़ा ऐसन बढ़ गेल बा खास कर अपन यूपी बिहार में, झाट बुट जमीन ला पट्टी पटदार में मर हो जाता। जमीन सरवा जहाँ के तहे रह जाता, लेकिन आदमी चल जाता शमशान आ कब्रस्तान। आ तोनियो को वही रास्ता में चलत रह लोगन, जब ले तोनी की एक दू लाश गिरी ना तब ले तोनी के मन में ना। एगो तोनी के हम ये राय दे हम कि बढ़िया वकील बुला ल, जमीन के ना बिखरा ल, जे तोहर निकली से तोहर होई, जे उनका निकली से उनकर होई, झगड़े खत्म हो जाई। हाँ एकदम खत्म हो जाई, बारा बढ़िया राय बार और मुखिया जी। हे मर्दे जमीन आपे वकीला वाले की अमीन हो। रे साला रे तू पहले झुलवा पास उतर था, उतर साला। अमीन हो केला वकील कहाँ गेल? अच्छा हमर बात अगर तोनी के अच्छा लागल होई तो ठीक बा, आ ना लागल होई तो थाना रख ले बा। दरोगा पुलिसों में होबे करी, जाके लोगन थाना में गार लिवा बा। ठीक बा मुखिया जी, हम अमीन बुलावा तनी, पूछल जा आधा पैसा दीहन। ए चल दे देबौ रे सरवा। अच्छा जमीन के लफड़ा बा, बनिया से नापी जोखी करा लोग, विवाद ना होगे चाहे, हम इतने चाहता नहीं, हम चला तनी बहुत काम बा हमरा। प्रणाम। चला लोगन अमीन को बुला के नापी जोखी हो को, हम तो जानते बानी कि पुलिस की जरूरी पड़ी। ए चल बोले दे। 50-60 किलो के लाश गिरी दो चार गो।
घीच 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 सीधा घीच। लड़का है बोल के एक बिता के रख। उठान इधर सरो अपने खेतों में कोड़िया रख ले उरे। यही मैं खींच के रख यही मैं। लड़का है सीधा रख सीधा। है काफी है सीधा ना ही तो। सीधा आयु। घस का हूँ मैं। साला मिनी बतिया था ना। गीदर लेकिन तलागा। जाइ दे बरा लाई। अभी ना पे दे साला। हाँ ठीक बा रहे थे वही जगह। आये को ढेला रख दिए। लड़का है कौड़ी लेके बाहर दक्षिण वाली तरफ। सरवा को नपाई ना पाथौ रे साला जमीन बा कहां वा ना पाथौ कहां वा। आज बहु लागत हो नाप लेलु सरवा। हां चल हमर झाट के नपाई ना पड़ना बुझलौ हा। हम का जानी रे चाचा एने आई है समझी है दू करी जे जमीन बा। हम कछु ना समझी ले। हम पढ़ लिखल ना बानी। हमर बेटा आवता ओकरा से समझाई। काती समझाओ त रहो तनका ठीक से समझाइयो। जूठा नाम बा हमार। हम का करी जूठा नाम होता। अगला आदमी के जमीन तोरा जमीन में एक हाथ निकलता। ई सरवा अगला आदमी कौन बारे तोर पटीदार और कौन नापे आवल हो नापे का चाचा बड़ा डनेर काटत ल ह आ मुठिया ल हमार एक हाथ उल्टा तोरे में निकल गेल। हाथ में का रे आ सारा जमीन ले आओ। ए तम ले आ नापी हम कहनी है क्या मीन उस सरवा के नापे होता साला वो गलत नाप था। हम नहीं मानेगा। ए नहीं आता तो काला बुलाया है हमको अपने से नाप लेते। ना मानबे तो दूसरा मीन बोलवा के ना पाले। हम झगड़ा करे के नहीं की चाहत। ए तो बोलेबे कर फिर से कल दूसरा मीन आई आ जमीन ना पाई। हां भाई जो मकई तिवारी के बुला के ले आओ। ए साला सा चल घरे यहां दूसरा मीन आई आ फेन जमीन ना पाई। चल चल एक हाथ निकला तस तरह के। ए चल हमनी के झगड़ा नहीं करे के बा बुलावे दे साला के जो नमीन बुलावे के है। ए बुए बोल के नहीं रखे नहीं है ने। हाँ है ने डनेर से बाहर। आजो बोस आजो कर लेके हो गेल। केने का भेलो एकरा पहले के नपले रहलन सैफ जी। सैफ जी देखा एकरा पहले जो नापी भेल रहे उ सहीए भेल रहे और पोल से दू करी जमीन इंकर निकला तो तोरा में। ए सुनो ना मकई नु नाम हो तोहर तनका सो समझ के बोलल कर न त भूजा भूजे में हमरा देर ना लागल। ए जंग भूज के रख दे हम ज्यादा बोलत रे लइका समझत रहेगा। 42 साल का उम्र 42 साल के तो आले खाने का जेने तेने घुमाता यहाँ तो ने भूजा भूजी। चलो हम बताओ तेन तो जमीन कहाँ ले निकल बा। यहाँ तक ले जमीन निकल बा पीला ले के हाल आला। हम चलो तनी अपन तोनी फरिया ला तोरा गार में दम बता हलाल। ए तो तू रोक ले बेकार है तो हलाव ना रे साला हलाव ना। आज पिलड़े हली नहीं तो लाशे हली। ए तू लाश ले बे साला दू दू बेर जमीन बोला के ना पी करवे ले तो तोरा संतुष्टि ना भेल। हां ना भेल ना होई तू हलाव ना पहले। ए साला बहुत बार चढ़ के बोला तेरे बहुत बर्दाश्त कर लेनी देखा तनी कौन भरे से रोक लेवत। आ लिया कोदारी हम भरम साला के। ए भरे दे आज मुर्गा खस्सी ना आदमी के कीमा बने आदमी के कीमा बने मेरे बनाओ तो। अरे हट हट ला कोदारी। ए तुम्हारी भरेगा रे मार दे साला के चाकू। ए
छोड़ के चल गया। क्यों क्यों एक जमी के टुकड़े के लिए इंसान एक इंसान की कत्ल कर देते हैं, और इस तरह की घटना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यूपी और बिहार में रोज होते हैं। कब तक ऐसी घटनाओं की सामना करेंगे आप लोग? और आज ही देख लीजिए, 2 फीट जमी के लिए 2 परिवारों में एक का कत्ल हो गया। कल जो जमी जहाँ था, आज भी जमी वहीं पे है, लेकिन इंसान नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा हिंदुस्तान के पूरे आवाम से कि जमी के लिए इस तरह की वारदात ना करें, प्लीज।